हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ लेक्चर सीरीज चला रहे हैं और हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है आज मतलब 15 अक्टूबर से तो अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी है वो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर ले चलो आज हम बात करते हैं टॉट की क्योंकि टॉट यू नेट में अपना अच्छा खासा योगदान देता है स्टार्ट करते हैं टॉर्ट। टोट को हिंदी में कहते हैं अप करती है ठीक अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टॉर्ट है वो कौन सी भाषा का शब्द है तो जो टॉर्ट है ये शब्द है फ्रेंच टोर्टम यह है लेटिन हमें लगता है जो टोर्ट है वो लेटिन भाषा का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है जो टोट है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जो टोर्टम है वो लेटिन वर्ड है और एक है डिलिक्ट यह है रोमन उसके बाद आता है रोम ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द फिर उसके बाद आता है अपकर्त्य, ये है हिंदी भाषा का शब्द ठीक तो ये बात कर रहे हैं हम ओरिजन की जो टॉट शब्द है उसका ओरिजन किन किन भाषाओं में किस किस रूप में हुआ तो फ्रेंच में हो गया टोर्ट टोटम हो गया लेटिन डिलिक्ट हो गया रोमन रोंग हो गया अंग्रेजी और अब करती है हिंदी अब बात आती है अर्थ की कि जो टोर्ट है उसका मीनिंग क्या है ठीक तो टोर्ट का बेसिकली नियम होता है तोड़ना या मरोड़ना तोड़ना या मरोड़ना ठीक अब बात करते हैं अपकर्तियों की विधि अपकृत्य की विधि इसको हम कैसे समझेंगे इसका बेसिकली अर्थ होता है बुरे कार्यों की विधि बुरे कार्य की विधि ठीक अब, अब का मतलब है बुरा करते का मतलब है कार्य बुरा कार्य ठीक अब बात आती है कि जो टोट है अब करते की विधि है उसके संबंध में कुछ विशेषताएं हैं कभी कभी क्वेश्चन बनता है विशेषताओं से ठीक तो हम इसकी विशेषता देखते हैं किसकी अब करते की विधि की विशेषता कौन कौन सी विशेषताएं हैं है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है पहली बात तो यह है कि ये विकासशील विधि है कैसी विधि है विकासशील विधि है फिर क्वेश्चन आता है कि क्या यह विधि संहिताबंद है तो ये संहिताबंध विधि नहीं है मतलब ये कोडिफाइड लो नहीं है संहिताबंद विधि नहीं है फिर बात आती है तो फिर ये कैसी विधि है ये है फिर बात आती है कि ये कैसी विधि है तो ये विधि है जो न्यायाधीश है न्यायाधीश द्वारा जो निर्णित वाद है निर्णित वादों पर आधारित विधि है इसमें कोई सेक्शन की बात नहीं होती है आधारित विधि है और क्या है इसमें किया गया कृत्य कैसा होता है विल रॉन्ग कैसा होता है सिविल रोंग हो गया होता है ठीक उसके बाद ये यह जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है संविधा विधि से भिन्न विधि है भिन्न है ठीक अब और क्या हो सकता है सिविल दोष हो गया आपराधिक विधि से भिन्न है संविदा विधि से भिन्न है एक और लिख लीजिए आपराधिक विधि से भिन्न विधि है ठीक पहली बात क्या हो गई विकासशील विधि है संहिताबंद विधि नहीं है कैसी विधि है जो न्यायाधीश द्वारा निर्णित वादों पर आधारित विधि है कैसा दोष है सिविल रॉन्ग है संविदा विधि से भिन्न है और अप, अपराधिक विधि से भिन्न है अब इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अब हम बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्षति की पूर्ति कराना क्षति की पूर्ति करना ये है इसका मेन ऑब्जेक्ट अब बात आते हैं कि जो क्षति की पूर्ति होगी वो किन आधारों पर होगी कुछ आधार तो होंगे पहले हम बात कर लेते हैं क्षति की पूर्ति से पहले हम बात करते हैं कि इसके दो मुख्य जूरिस्ट हैं। एक है विनफील्ड एक है सामंत में अक्षर कंट्रोडिक्शन होता है कि लॉ ऑफ टोर्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट है ठीक तो जो हमारे विनफील्ड है वो कहते हैं कि लॉ ऑफ़ है और सामंड है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट इतनी बात आ गई समझ में ये कहते हैं कि अपकृति विधि तभी लागू होगी तभी क्षतिपूर्ति कराई जाएगी अगर किसी के विधिक अधिकारों का हनन होता है अगर किसी के विधिक अधिकारों का हनन नहीं होता वहां पे ये विधि लागू नहीं होगी सामन, सामन ने कहा कि इन्होंने अपना एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं पीजन हॉल थ्योरी हिंदी में बोलते हैं कबूतर खाने का सिद्धांत ये है इनकी थ्योरी थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है कि सामन की थ्योरी कौन सी है इन्होंने कहा कि ये एक सांचा है ये एक हॉल है इसमें कुछ एक खाने बने हुए हैं जो इन खानों में फिट बैठेगा वहां पे क्या होगा टॉर्ट होगा जो भी इन खानों में फिट बैठेगा वहां पे क्या होगा टोट होगा अगर कोई इन खानों में फिट नहीं बैठ रहा है तो वहां पे टोट नहीं माना जाएगा किसी के अधिकारों का हनन हुआ हो नहीं हुआ हो नो no मैटर लेकिन बस इन्होंने एक ये थोड़ी दे दी अपना ये एक सिद्धांत में एक इन्होंने ये एक परफॉर्मा दे दिया एक सांचा बना दिया जो इसमें फिट बैठेगा वहां पे ये एराइज होगा ड कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पे क्या होगा वहां पे टोट होगा मतलब क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी ठीक इतनी बात आ गई समझ में ये इनकी डेफिनेशन भी है ये अर्थ इनकी डेफिनेशन में भी है विनफील्ड की। इनकी बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन हमें याद रखनी है विनफील्ड की एक रखनी है हमें सामन की और एक एक्ट एक है हमारा लिमिटेशन एक्ट सेक्शन टू एम जहां अपकर्ती विधि को डिफाइन किया गया ठीक उसके बाद जब हम इनके डेफिनेशन देखेंगे अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट है हम बात कर रहे थे विनफील्ड की विनफील्ड ने कहा लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट अब इसमें कुछ केस लो है जो हमें देखने हैं केस लो पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो बनता है बेसिकली टॉर्ट का केस लो से ही बनता है तो इसमें कुछ केस लो है जहां पे इनको स्वीकार किया गया था लॉ ऑफ टोर्ट विधि को स्वीकार किया गया था जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस है वर्सेस हाइट कब का केस है सेवनटीन जीरो थ्री का इसमें जो लॉ ऑफ टोर्ट है स्वीकार किया गया था इन्होंने माना था कि हाँ जो विलफील्ड ने जो अपनी बात कही है कि ये ऑफ टॉर्ट है ये बात सही है फिर इसमें एक मैगजीम है उबी जस इबी रेमेडियन इन्होंने कहा था क्योंकि विनफील्ड क्या कह रहे हैं विनफील्ड बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा वहां इबी इनका, इसका अर्थ है जहा अधिकार वहां उपचार सही बात है क्योंकि जब अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उपचार भी अधिकारों के संबंध में होंगे और ये बात पढ़ते हैं हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं थर्टी टू वहाँ पर भी हम इस मैगज़ीन को देखते हैं ये वाली बात कही के इस केस में बस हमें इतना ही याद रखना है कि लोप टोट को स्वीकार किया गया एस बी वाइट में और ये जो मैगज़ीन है ये कहाँ निकल के आई इस केस में निकल के आई फिर हमारा जो दूसरा केस है वो है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट केस है ये इसमें पूछता है कि इसके जस्टिस कौन थे 1868 का ये केस है इसमें जो जस्टिस थे वो थे ब्लैकबर्ड ब्लैकबर्ड जस्टिस थे ये बात हमें याद रखनी है ये आती है पूछते हैं क्वेश्चन में इसमें कहा इसमें भी क्या कहा कि जो लोफ टोर्ट है वो ठीक है स्वीकार किया मान्य किया और इन्होंने एक डॉक्टर निकाली जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ठीक हिंदी में बोलते हैं इसको कठोर दायित्व का सिद्धांत क्वेश्चन क्या बनेगा क्वेश्चन बनेगा रायलन वर्सेस फ्लेचर कब का केस है 1868 का है जस्टिस कौन है जस्टिस ब्लैकबर्न है मान्यता को, किसको दी गई लोफ को मान्यता दी गई इसमें कौन सा सिद्धांत निकल के आया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा उसके बाद एक केस है जिसको हम बोलते हैं चैपमैन चैपमैन वर्सेस सोरगल ठीक इसमें क्या कहा था इसमें कहा था इसके जो जस्टिस थे वो थे जस्टिस प्रोट ये पूछ लिया जाता है आया हुआ क्वेश्चन है इसमें कहा जो है, वो असीम है इसकी कोई सीमा नहीं है और अनंत है बस इतनी ही बात याद रखनी है हमें क्या है ये असीम और अनंत है ठीक ये बात होगी हमारी टोट की। किसने कहा था विनफील्ड ने कहा था केस कौन कौन से पढ़ लिया, लिया। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का पढ़ लिया और चेपमन वर्सेस ग्रो का पढ़ लिया अब इसमें ही एक केस और पढ़ते हैं हम विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक इसमें भी क्या कहा इसमें भी जो ऑफ टोर्ट है उसको माना लो ऑफ टोर्ट को माना ठीक इतनी बात आ गई समझ में अब उसके बाद केस पढ़ते हैं हम उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की किसने कहा सबसे पहली बात सामन ने कहा थ्योरी कौन सी निकल के आई पीज एन होल थ्योरी पीज एन होल थ्योरी कबूतर खाने का सिद्धांत कबूतर खाने का सिद्धांत ठीक अब ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो विधि है उसमें अनेक विशिष्ट अपकार सम्मिलित है जो कि एक सांचे के द्वारा ही फिट बैठेंगे और यहाँ पे जो क्षति का कोई दायित्व है वो सामान्य नहीं है अलग अलग क्षति की अलग अलग दायित्व बनेगा इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए जो व्यक्ति है उसको इस सिद्धांत में कपोत खाने के सिद्धांत में फिट बैठना होगा तभी उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी वरना नहीं होगी इसलिए इनके सिद्धांत को कहते हैं पीजन हॉल थ्योरी ठीक इन्होंने क्या कहा ये कहते हैं कि विधि में अनेक विशिष्टियां हैं अनेक विशिष्टियां हैं शामिल है और इनके संबंध में जो सामान्य दायित्व है सामान्य दायित्व नहीं है इसलिए जो व्यक्ति है व्यक्ति को किस में फिट बैठना होगा कपोत खाने में फिट बैठना होगा कपोत खाने में फिट बैठना होगा तभी क्या होगा दायित्व बनेगा ठीक अब इसमें हम केस देखते हैं एलन वर्सेस फ्लड का एलन वर्सेस फ्लड इसमें क्या कहा इसमें लॉ ऑफ टोर्ड्स मतलब ये इसमें बात सपोर्ट किया गया था किसको सावंत की थ्योरी को ठीक उसके बाद <coughs> देखते हैं कि जो टोर्ट में जो लाइबिलिटी बनती है टोर्ट की लाइबिलिटी बनती है वो किस आधार पर बनती है इसमें बात हुई थी कि अगर अधिकारों का हनन होगा तो लाइबिलिटी बनेगी वरना नहीं बनेगी तो मान लो कि डैमेज हो गया लॉस हुआ ठीक लोस हुआ लेकिन क्या हुआ कि अधिकारों का हनन नहीं हुआ अधिकारों का हनन नहीं हुआ जैसे आप एक केस पढ़ेंगे एक केस है ग्लासोस्टर ग्रामर स्कूल गिलासोस्टर मर स्कूल ये केस है टोर्ट का इसमें क्या होता है कि ए का स्कूल होता है काफी टाइम से वहाँ पे कुछ बस्ती बनती है फिर जो बी सी डी वहाँ पे अपना स्कूल खोल लेते हैं तो ये कोर्ट में पहुँचता है कि यहाँ पे मुझे क्षतिपूर्ति कराई जाए क्यों क्योंकि मुझे जो इनकम मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आप दो तीन स्कूल और खुल गए तो कोर्ट ने मना कर दिया कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है भले ही आपको लॉस हो रहा है क्योंकि अब गतिविधि कहाँ पर लागू होती है वहीं लागू होती है जहां पर अधिकारों का वायलेशन हो ठीक लेकिन अगर डैमेज हुआ नो लॉस लॉस नहीं हुआ लेकिन अधिकारों का उल्लंघन हुआ अधिकारों का उल्लंघन तो वहां पे क्या होगा वहां पे टॉट इज लाइबिलिटी बनेगी लाइबिलिटी बनेगी अब ऐसे ही हम एक केस पढ़ेंगे यहां पे, कौन सा पढ़ेंगे एस बी बनाम वाइट का ठीक जो अभी हमने देखा उसमें क्या है वोट डालने का अधिकार है हमारा जो वोट डालने का राइट है वोट का अधिकार है अगर हमारा उस कोई आके हमें वोट ना डालने दे तो यह हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा तो फिर क्या है हम कोर्ट में जा सकते हैं किस लिए अपने अधिकारों की क्षतिपूर्ति कराने के लिए ठीक इतनी बात आ गई समझ में ये है की बेसिक जानकारी उससे आगे जो हमारा सिलेबस है नेट का उससे आगे हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एवरीवन